प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? माता जी, थोड़ा बिजनेस में और फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है काफी दिनों से। क्या है पता नहीं, काफी जगह गए, काफी जगह पूजा पाठ किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है प्रॉब्लम। क्या आपके जीवन में जो दिक्कतें आई हैं, हाँ कष्ट की जो परिस्थिति है बनी हुई, हाँ इससे आपको निवारण पाने हेतु अगर आप चाहें कि हम मंदिर मंदिर देवालय स्थान मंदिर मस्जिद टोने टोटके वाले ये सब स्थानों पे अगर आप घूमते रहेंगे तो फिर भी आपको जरा भी आराम नहीं लगेगा। नहीं है वहाँ के। इसका भी कारण है, आप किसी को भी दिखवा लें या टोटके टोने कर दे ना, छोटे छोटे उपाय बताते हैं, ये कर लीजिए उससे हो जाएगा, हाँ माँ जी, तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी बेटे। नहीं हो रही माँ जी। इस विषय में आपकी मनोस्थिति मनोदशा भी गड़बड़ हो रही है, हाँ और मनोदशा भी गड़बड़ होने के साथ साथ पारिवारिक दशा जो है वो भी गड़बड़ हो रही है, तालमेल हाँ माँ जी, नहीं मिल रहा है, पारिवारिक भी कलह उत्पन्न हो रही है, हाँ घर में भी आपके प्रेम संबंध स्थापित नहीं है बेटे, हाँ माँ जी, ये सत्य है या नहीं? सत्य है माँ जी। और इसका मूल कारण है हाँ आपके ही अपने घर से दोष उत्पन्न हुआ है, अच्छा, और यह दोष उत्पन्न होने के कारण ही इसका बुरा असर आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में और घर और बाहर से लेकर के सभी तरफ से, चारों तरफ से आपके जीवन में कष्ट रूपी घोर अंधकार व्याप गया है बेटे, हाँ माँ जी, सत्य ये सत्य है या नहीं? है माँ जी। और इस सत्य को हम जान करके और फिर इसका निवारण करें तो आपको एक दो सुख नहीं, एक दो प्रकार के सुख नहीं, सर्व सुख प्राप्त होंगे जो आप चाहते हैं। हाँ माँ जी, माँ जी अभी बिजनेस में भी जितना अपने भी अपने करो बहुत जीवन हाई में, हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, अपने जीवन में जितना भी आपने लगाओ पैसा। बहुत धन कमाया, बहुत धन अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से आपने बहुत धन अर्जन किया, हाँ माँ जी, किंतु अब कर्ज की परिस्थितियां बन गई हैं, हाँ माँ जी, लोग आपको परेशान करने लगे हैं, हाँ माँ शुरुआत जी, हो चुकी है बेटे, हम्म, और इसका मूल कारण है आपके ही घर के पूर्वजों का दोष। अच्छा, आपके जो पूर्वज हैं वे जागृत हाँ अवस्था में आ चुके हैं, हाँ जब तक इनकी मूल शांति नहीं होगी, इनको मोक्ष की गति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप किसी भी देवी देवता की भी आराधना करेंगे तो भी आपको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ माँ जी, आप मंदिर मंदिर देवालय स्थान भी जाकर के देखिए, अगर आपके हाँ पूर्वज आपसे रूठे हुए हैं तो ऐसी हाँ परिस्थिति में आपको कहीं भी आराम नहीं लगेगा। भवन, भवन पुत्र, तुम अब मेरे दरबार में आकर के मेरी पूजन आराधना कर रहे हो पुत्र, लेकिन मेरी पूर्ण कृपा आपके ऊपर है, लेकिन मेरी दी हुई कृपा आपके झोलीच में रखी हुई हो रही है, जीवन में नहीं उतर रही है। जिस भी देवी देवता के दरबार आप गए हैं अपनी विपदा को सुनाने और शुभ फल की प्राप्ति लेने, उन सभी देवताओं ने, देवी देवताओं ने आपको अनुग्रह शुभ आशीर्वाद प्रदान किया है, किंतु उनका दिया हुआ आशीर्वाद आपकी झोली में ही रखा हो रहा है, हाँ आपके जीवन में नहीं उतर रहा, जीवन में शुभ फलीभूत नहीं हो रहा है। कभी कभी आप इतना खिसिया जाते हैं, इतना हताश हो जाते हैं कि देवी देवता से भी विश्वास उठा लेते हैं, नहीं हाँ नहीं जी, देवी देवता कुछ फल वल नहीं देते हैं, स्वयं कर्म करो तब स्वयं फल की प्राप्ति करोगे, ऐसा आपका मन हाँ कहने लगता है, बोलता है कि नहीं बेटे? हाँ जी, ऐसी परिस्थिति में आपको ईश्वर की भी कृपा प्राप्त होनी चाहिए और कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। देवी देवता कभी बुरा नहीं करते, कुल देवी देवता भी कभी मनुष्यों का बुरा नहीं करते हैं, बुरा अगर करते हैं तो ये राक्षसी शक्तियां जो हैं और आपके जो कुल के पूर्वज जो हैं वे अगर रुष्ट हैं तो उनके रुष्ट होने पर देवी देवताओं की कृपा भी वो जीवन में फलीभूत नहीं होने देते। इनकी मूल शांति आप करवाएं, और इनकी मूल शांति 13 दिन की होती है, हाँ और 13 दिन की मूल शांति होने के बाद में आपके जीवन में जो सुख पाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं
और सर्व सुख जो आपके भीतर में अंग रोग सब व्याप रहा है, घबराहट होने लगी है आपको, धड़धड़ाहट जो महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ही बताइए। ये सारी परिस्थितियों से आपको मुक्ति पाना है, कष्ट से मुक्ति पाना है, तो आपको पूर्वजों को पूर्ण शांति मोक्ष की गति प्रदान के लिए उपाय करना होगा, और माँ बगलामुखी देवी की शरण लेकर के आप अपने कर्ज से शीघ्रता पूर्वक मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कर्ज माने से हम लोग एक पूछना था, हम लोग ये जो पूर्वज जो है पितरों का, हम लोग चाणौद करके एक गांव है गुजरात में, उधर जाके हम लोग करके आए थे पूरा विधि विधान, तो नहीं हुआ है क्या ऐसे? पूर्वज अगर आपके शांत हो गए होते तो अब तक तो आप शिखर पे होते बेटा, ऊंचे हाँ शिखर पे। ऐसा है। तो और अभी क्या करना है भाई, इसको निकलना है तो कुछ ना कुछ रास्ता। इनकी इनकी मूल शांति के लिए 13 दिन का पूजन होता है बेटे, 13 दिन का, हाँ माजी, और पितरों के वैदिक भाषा में इन्हें पितरों की पूजन बोलते हैं, 13 दिन इनका पूजन होता है, और पूजन होने के बाद 14वें दिन में अमावस्या के दिन आपका जो है इनका पूर्ण आहुति होती है, आपके ही द्वारा 84 पिंड बने जाते हैं। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के अगर पितृ दोषों से आप जीवन ग्रसित है आपका दुख से, तो भी आपको अभी इसी वक्त और तत्काल शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इनके मूल शांति होते हुए 84 पिंड बनते हैं, यानी 84 लाख योनियों को जो पार करके आए हैं। कुछ जन्म ऐसे हुए हैं जिनमें आपने पितरों का मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण पूजन नहीं किया, पुनः शरीर धारण कर लिया, उन दोषों का भी जो काल जागृत होता है, उन दोषों का भी जब समय जागृत होता है, तब जा करके मनुष्य को अशुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। तो एक ही जन्म नहीं, 84 लाख योनियों में भी अगर मैंने किसी भी अनेक जन्मों में अगर मैंने पितरों का पूजन तर्पण नहीं किया है, और वो इस जन्म में मुझे परेशान कर रहे, तो उन सभी की शांति हेतु मैं इस जन्म में संपूर्ण दोषों से, पितरों के दोषों से मुक्ति के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, संकल्पबद्ध होकर के। और फिर आप 13 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ करवाइए, आपके जीवन में सर्व सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इनके प्रसन्न हो जाने के बाद में फिर आपको कुबेर महाराज की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि कुबेर महाराज धन के दो अधिष्ठात्र हैं, उनकी आराधना करने से फिर धन अर्जन होगा। इसके लिए आपको ही कर्म करना है, और आप कर्म करें और शुभ फल की प्राप्ति आपको ही हो, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। तो कुबेर महाराज जो नया नित्य नया धन प्राप्त करते हैं और इस संपूर्ण संसार जनमानस को प्राप्त कराते हैं, और उन संसार वासियों से नित्य सुयश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा वैभव की प्राप्ति होती है, वो केवल बगलामुखी कृपा से ही होती है, क्योंकि भगवान कुबेर भी माँ बगलामुखी देवी जी की आराधना करते हैं।